स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में खास करके मेरिट को लेकर के चर्चा करेंगे, जो एस्टेट में मेरिट का जो जिक्र किया गया है, ठीक है, और नियोजन का जो मेरिट होता है। इससे पहले चयन प्रक्रिया पे एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे है, आप देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों का, जबकि उसमें एक्चुअल जो लेटर है सरकार का, ठीक है, सिर्फ लेटर को दिखा करके ही हम बात किए हैं, उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अब ये आपका कन्फ्यूज़न है या जो भी है, ठीक है, वो चीज़ आपका इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा यदि ध्यान से इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो, ठीक है। अपने मन से हम कुछ नहीं बताते हैं, जो है ऑफिशियल ऑर्डर है, जो प्रोसीजर है, उसी चीज़ को अपने सामने, आपके सामने जो है रखा जाता है, ठीक है। गुमराह करने का कोई इरादा है नहीं, ठीक है, और ना ही रहता है। इससे पहले यदि आप वीडियो मेरा देखते आए हैं तो जो फैक्ट होता है फैक्ट पे ही हम बात करने का कोशिश करते हैं, अपने मन से कुछ नहीं बताया जाता है। तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर डाउट क्या है आप लोगों का, कि एस्टेट में जो चर्चा किया गया है मेरिट का, सबको लग रहा है कि उसी के आधार पर आपका जो है बहाली हो जाएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, जो नियोजन का नियमावली होता है, जो नियोजन का प्रक्रिया होता है, उसका एक अपना अलग प्रक्रिया है, उसमें दूसरा मेथड अपनाया जाता है, ठीक है। तो इसको लेकर के अब होता क्या है कि जिनका मार्क्स कम है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस के आधार पर जो होगा नियोजन, अब मार्क्स जिनका कम है एकेडमिक में, वो सोच रहे हैं कि स्टेट में उनका नंबर ज़्यादा है उसके बेस पे हो तो उनको फ़ायदा मिल जाएगा। जिनका स्टेट में कम है उधर ज़्यादा है, वो सोच रहे हैं कि नियोजन हो, ठीक है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन के आधार पर, मार्क्स के आधार पर हो, तो इस तरह का चीज़ है। लेकिन देखिए, होगा वही जो रूल है, ठीक है, जो बना हुआ है रूल, उसी के आधार पर चीज़ होगा, और हम अपने मन से कुछ नहीं करने जा रहे हैं, ये तो सरकार का है, और जो ऑफिशियल ऑर्डर है वही हम आपको बता रहे हैं, उसी के आधार पर सब होगा, मेरे कहने या आपके कहने से क्या होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको, पात्रता परीक्षा, ठीक है। पात्रता परीक्षा होता क्या है? पात्रता परीक्षा जो है आपका एक तरह से एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, एक सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है ये, जो आपका किसी भी पद के लिए आपका जो है पात्रता तय करता है, पात्रता तय करता है सिर्फ, कि हाँ उसके लिए आप एलिजिबल हैं, इसीलिए इसका नाम ही होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, आप पात्र हैं कि नहीं इस चीज़ को जो है टेस्ट करता है, और हाँ आप पात्र हैं, अब आगे की प्रक्रिया में आप जाइए। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, यूजीसी नेट, क्या यूजीसी नेट जो है ये भी ईटी एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, क्या ये पास करने के बाद सीधा जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया जाता है? नहीं, बिहार में आप देखेंगे, बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी उसी ढंग से आपका जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस है उसका जो है सारा मार्क्स वगैरह का वेटेज दिया जाता है, और सिर्फ 15 मार्क्स का लास्ट में इंटरव्यू आपका होता है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद सीटेट में आप देखेंगे, सीटेट क्या है? एक पात्रता परीक्षा है जो आपको टीचर बनने के लिए आपका जो है पात्रता तय करता है, और जो ये पास कर जाते हैं वो अलग अलग जगहों पे, इवन बिहार में भी आप देखेंगे जब नियोजन होता है तो उसमें आप भाग लेते हैं जो पास किए रहते हैं 1 से 8 में, ठीक है। उसी तरह से केंद्रीय विद्यालय में आप जाएंगे, वहाँ भी एक दूसरा टेस्ट होता है, आगे अभी हम चर्चा करेंगे इसके बाद का चीज़, पहले आप ये समझ लीजिए कि पात्रता परीक्षा है क्या, ठीक है। उसके बाद उसी ढंग से जो है बिहार स्टेट जो है आपका ये क्या है, ये पात्रता परीक्षा है जो कि टीचर्स के लिए जो है आपका पात्रता तय करता है कि आप सीनियर सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यानी कि हाई स्कूल और प्लस टू के टीचर बनने लायक आप हैं, अब आगे की प्रक्रिया में जो है आप भाग लीजिए। अब देखिए, एक जो है पता होगा आप लोगों को कि 2019 में जो है सीटेट 2019 को लेकर के जो है चर्चा में था जो है ये चीज़, और हाईकोर्ट का जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है ये मामला चला था। सीटीईटी 2019 पात्रता परीक्षा पास करने में आरक्षण नहीं हो सकता, ये सुप्रीम कोर्ट का है, आगे अभी आप देखिएगा क्या था, ठीक है। सीटेट 2019 पात्रता परीक्षा पास करने में आरक्षण नहीं हो सकता, अब आप जो है पढ़िए इसको। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि प्रवेश की पात्रता के लिए आयोजित पात्रता में किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता, ठीक है। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और संजीव खन्ना की अवकाशकालीन पीठ ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी 2019
में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% के आरक्षण के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया। ठीक है, अब देखिए आगे। पीठ ने कहा कि किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण का मुद्दा प्रवेश के दौरान ही आएगा, आपके इंट्री के दौरान ही आएगा। ठीक है, बहाली है तो जब बहाली होगा बहाली के दौरान ही आपका आएगा आरक्षण का मुद्दा। ठीक है, पीठ ने कहा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए किसी प्रकार का आरक्षण नहीं हो सकता। ठीक है, यह पूरी तरह से गलत धारणा है। यह CTET सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। ध्यान दीजिए, यह CTET सिर्फ पात्रता प्राप्त करने की परीक्षा है। आरक्षण का सवाल तो प्रवेश के समय आएगा, जब आपका बहाली होगा। ठीक है, जब आपका एंट्री होगा उस समय आएगा याचिकाकर्ता के। ठीक है, ये चीज़ आप देख लिए। उसके बाद देखिए आप यहाँ पे अब कि CTET में क्या रखा गया है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो क्या रखा गया है, क्या यहाँ पर आरक्षण है क्या। देखिए आप जो है क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर जनरल EWS कैंडिडेट्स जो है 90 है। ठीक है, और 82.5 जो है वो है आपका OBC SC ST। ऐसा रहता तो OBC के लिए अलग रहता, SC के लिए अलग रहता, ST के लिए अलग रहता, अब तो EWS को भी आरक्षण है उसको भी रहता। ठीक है, तो सिर्फ दो ही लेवल में जनरल EW यानी कि सिर्फ आप जनरल मान लीजिए और उसके अलावा जो भी हैं उनके लिए बस 5% का छूट दिया गया है। ठीक है, जनरल के अलावा जो भी बच गए। सेम उसी पैटर्न पे आप देखिए स्टेट में क्या बताया गया है आपको, उत्तीर्णांक क्या है यहाँ पे, उत्तीर्णांक है आपका सामान्य के लिए। देखिए सेम उसी पैटर्न पे सामान्य के लिए आपको यहाँ पे रखा गया है 50% और बाकी जितने भी बच गए सब के लिए बस 45% 5% के छूट के साथ जनरल के अलावा। ठीक है, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया होगा, आप ध्यान से जो है आप देखते रहिए। उसके बाद जो है अब देखिए सिलेक्शन, वो तो पात्रता था सिर्फ, आप देख लिए कि क्वालिफाइंग मार्क्स किस ढंग से जो है रहता है, उसमें रिजर्वेशन नहीं होता है। ठीक है, चाहे CTET हो STATE हो। उसके बाद प्रूफ भी आप देख लिए। अब देखिए कि सिलेक्शन, उसके बाद जब आपका पात्र आप हो गए, पास कर लिए उस परीक्षा को, उसके बाद जो आगे सिलेक्शन होगा आपका टीचर के पद पे, उसमें देखिए क्या हो रहा है। सिलेक्शन में जो है एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं कर जाते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे KVS में आपको टीचर बनना है, तो KVS में टीचर बनना है तो क्या आपको सिर्फ मार्क्स के आधार या CTET आप क्वालिफाइड है सीधे आपको ले लेता है? वो सिर्फ पात्रता आपका तय किया है कि जो लोग वो पास किए हैं वही लोग एक सेपरेट एग्ज़ाम लेगा KVS जो लेता है टीचर के लिए, उसमें वो लोग बैठेंगे। क्वालिफिकेशंस तो आपके पास BA हो, सॉरी ग्रेजुएशन हो या आपका PG हो, जो भी है उसके साथ BED हो, और उसके साथ साथ ये भी एक पात्रता है। ठीक है, पात्रता परीक्षा आप पास होना चाहिए, उसके बाद एक सेपरेट एग्ज़ाम लेता है, उसके बाद उस एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई करिए, फिर एक इंटरव्यू होता है, जो भी है आगे का प्रक्रिया वो लिया जाएगा। UP में आप देखिए सेम जो है, UP का TET या CTET जो लोग क्वालिफाई रहेंगे उनसे एक सुपर TET लिया जाता है। ठीक है, ये एक कंपटीशन की तरह है, अलग तरह से एक सेपरेट एग्ज़ाम है जिसका नाम दिया गया है सुपर TET के बाद। ठीक है, उसके बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होता है टीचर के लिए। वहीं पर बिहार में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये कोई भी सेपरेट एग्ज़ाम नहीं है। यहाँ पर क्या है कि उसी चीज़ को एक एकेडमिक मार्क्स के आधार पर जो है सिलेक्शन को आधार बना दिया है, सिलेक्शन का आधार। ठीक है, जिसको जो है नियोजन बोलते हैं। ठीक है, यही होता है आपका नियोजन। ठीक है, नियोजन में कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है, आपका जो मार्क्स होता है एकेडमिक का, ठीक है, उस चीज़ को जो है कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपका जो है काफ़ी सारा जो है अब डाउट धीरे धीरे क्लियर होते आ रहा होगा। अब आप समझ लीजिए यहाँ पे कि स्टेट जो था आपका स्टेट में, क्योंकि कुल रिक्ति के बराबर लोगों को क्वालिफाई करवाना था, यदि कुल रिक्ति के बराबर जो है लोगों को क्वालिफाई नहीं करवाना रहता तो वो आप 50 और 45 जो देखे सिर्फ उससे ज़्यादा जो भी लाते उसको क्वालिफाई कर दिया जाता, चाहे कितना भी लोग 50,000 1,00,000 जितना भी लोग क्वालिफाई करें। ठीक है, वो जो है एक अपनाया जाता है, यदि मतलब मिनिमम जो है उसको जो क्वालिफाई कर जाएंगे उस सबको ले लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कुल रिक्ति के बराबर उनको लोगों को क्वालिफाई करवाना था, जिसके कारण वहाँ पर चर्चा किया गया कि मेरिट वाइज अब कुल रिक्ति के बराबर जो है क्वालिफाई करवाएंगे तो मेरिट वाइज ऊपर से नीचे की ओर ही तो लेंगे, तभी तो वहाँ तक आके आप 100 लोग हैं मिनिमम को पार कर रहे हैं, मान लीजिए 5,000 लोग, उनको 100 ही सीट है, 100 लोगों को ही लेना है, तो ऊपर से ही तो लेंगे, नीचे से तो लेंगे नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ का जिक्र किया गया था आपके स्टेट नोटिफिकेशन में इस चीज़ का जिक्र किया गया था, जिस चीज़ को ज़्यादातर लोग मान बैठे हैं कि वही है सिलेक्शन का आधार, आपका बस चयन हो गया। ठीक है,
आपका जो है, आपको लग रहा होगा कि मेरिट बस हो गया, मेरिट बना हुआ है, उसी के मार्क्स के आधार पर बस जो है अलॉट करते चला जाएगा। तो देखिए आप नियोजन इकाई, अब जो है आपका नियोजन इकाई है ये अगला, ये तो सिर्फ आपका पात्रता तय किया है, ठीक है, और सीट के बराबर ही लोगों को क्वालिफाई करवाना था, जिसके लिए जो है यहाँ पे आपको जो है मेरिट का जिक्र किया गया है क्वालिफाई करवाने के लिए। अब जो है शिक्षक की नियुक्ति के लिए जो है आपका नियोजन का प्रक्रिया है, ठीक है, जो जिसमें फॉलो, अभी जो लेटेस्ट रूल है आपका वो है बिहार टीचर्स का जो है बहाली का रूल्स है, वो 2020 में लेटेस्ट एक बना है, जिसके आधार पर नीचे वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दी है, उसमें हम डिटेल में चर्चा किए हैं कि कैसे आपका नियोजन, कैसे मेरिट बनता है, सारा चीज़ इस नियमावली में जो चीज़ दिया हुआ है उसी चीज़ को जो है हम बताए हैं उसमें, उसको आप देख लीजिएगा, नीचे लिंक उसका पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका जो है क्लियर हो गया होगा कि क्या था, क्या है एस्टेट का मेरिट और क्या है नियोजन का, ठीक है। उसके बाद अब काफ़ी लोग अब कहेंगे कि नियोजन होगा अब जो है, ठीक है, नियोजन में आपका जो है अलग से फिर जो है प्रक्रिया अपनाया जा रहा है, फिर उनका होगा कि नहीं होगा, ठीक है, मार्क्स कम है, ये है वो है। देखिए काहे टेंशन नहीं लेना है आपको, टेंशन क्यों नहीं लेना है, पता है आप लोगों को कि जितने सीट्स था उससे कम लोग ही क्वालिफाई किए हैं, ठीक है, और पीछे बताया आपको ये पात्रता परीक्षा है, आप क्वालिफाई किए हैं, आप ही इसमें एलिजिबल होंगे नियोजन इकाई में अप्लाई करने के लिए, नियोजन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आप ही अप्लाई होंगे, जो लोग क्वालिफाई किए हैं वही अप्लाई करेंगे, और क्वालिफाई किए हैं सीट से भी कम लोग, तो सबको तो होना ही, जैसे भी हो आपका आधार कुछ भी बनाया जाए, ठीक है, कोई भी मार्क्स जो है आपका कंसीडर किया जाए, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का, वैसे हम डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो देखिए एग्जैक्ट, उसमें पूरा हम बता दिए हैं कि क्या रूल बना है, कैसे आपका होगा सारा चीज़, ठीक है। जैसे भी किया जाए, आप भूल जाइए उस चीज़ को, जैसे भी किया जाए आपका सिलेक्शन तो फिक्स ही है, सीट से कम लोग हैं, और जिस भी तरह से आपका नियोजन हो, जो भी मार्क्स को लिया जाए लेगा तो आपको ही, जो क्वालिफाइड है, और सीट से कम लोग क्वालिफाइड हैं, ठीक है, खाली रह जाएंगे 5,000 सीट, ये सब चीज़ आप लोग पेपर में देखते ही रहते होंगे, एसटीटी पास जो है 24,599 की नौकरी पक्की, ये इसलिए बताया जा रहा है। और यहाँ पे ये भी आप देखिए, 6ठे व 7वें चरण में बहाल होंगे 1.5 लाख शिक्षक, 6ठा चरण अभी प्रक्रिया में चल रहा है, ठीक है, सफल अभ्यर्थियों की होगी 7वें चरण में नियुक्ति, विजय चौधरी, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं सफल अभ्यर्थियों की 7वें चरण, यहाँ पे का ही ये जिक्र किया गया है, 7वां चरण का जो नियोजन प्रक्रिया है अलग अलग फेज में होता है, 6ठा अभी चल रहा है, 7वां चरण का जो नियोजन प्रक्रिया होगा उसमें आप भाग लेंगे और उसमें आपका जो है होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अब क्लियर हो गया होगा आप लोगों का डाउट, ठीक है, और नीचे वाला जो है आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है लिंक, उसको देख लीजिए और ज़्यादा जो है आपको अब क्लियर हो जाएगा, और आशा है कि अब जो है डाउट आप लोगों का इस मामले में नहीं रहेगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।